हेलो, नमस्कार दोस्तों। 23 जून 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल से वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज कौन कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो बड़ा आर्टिकल है, ये एक्चुअली विजिलेंस के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से विजिलेंस है, उनकी निगरानीता बढ़ती जा रही है, इसके बारे में बताया गया। मास कम्युनिकेशन जो वॉयलेंस वगैरह है उसके बारे में डिस्कस किया गया कि मास कम्युनिकेशन जो वॉयलेंस है, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और लोग हैं वो एक तरीके से निगरानी ज़्यादा रख रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया इसमें, यहाँ पे आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए गए, मेरे तमिलनाडु का एक इशू दिया गया है। इसके साथ ही जो काऊ के प्रोटेक्शन के लिए जो विजिलेंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होते हैं, वो बातें यहाँ पे डिस्कस वो की गई हैं। तो कुछ पॉइंट इस आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है फिर साइड में छोटा वाला आर्टिकल, इस आर्टिकल में एक्चुअली काफ़ी सारे पॉइंट मेनली जो कुछ काम के हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तमिलनाडु के बारे में डिस्कस किया गया है कि तमिलनाडु में मीडिया के ऊपर जो लिमिट है वो लगा दी गई है, तो उसको लेकर डिस्कस किया गया, क्रिटिसाइज किया गया है कि भाई मीडिया है वो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है और उसके ऊपर अग्रेसिव स्टेप वगैरह उठाए गए तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं होंगे। इसके बाद में यहाँ पे जो आर्टिकल है ये मिस्टर अरुण सुब्रमण्यम जी से रिलेटेड है, जो कि आपको पता है कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, जो कि बजट पे से मेनली करते थे। तो उसको लेके बेसिकली पॉइंट है यहाँ पे कुछ डिस्कस किया गया है कि उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, तो उनके द्वारा क्या क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो उनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या क्या उनके द्वारा बजट में इकोनॉमी सर्वे में चेंजेस किए गए थे, वो चेंजेस को हम एक बार थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। फिर साइड में यहाँ पे आर्टिकल है, ये एक्चुअली एक नई कंट्री है, इनको है उसको अभी रिकॉग्नाइज कर लिया गया ग्रीस के साथ, तो उसकी डिस्कशन है यहाँ पे की गई है। तो उसके साथ हम केवल मैपिंग पे देख लेते हैं और इसमें कुछ हमारे लिए कुछ खास का यहाँ पे होता नहीं है। तो सबसे पहले इस कंट्री की जो मैपिंग है प्री के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होती है। ये एक्चुअली यहाँ पे यूरोप में ग्रीस की लोकेशन है, तो आप थोड़ा देख सकते हो मेडिटेरियन सी में यहाँ पे ग्रीस आता है। इसके बाद में यहाँ पे एक सेकेंड, ये है मैकेडोनिया, एक्चुअली नई कंट्री है जो कि इसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया बाकी और कंट्रीज़ के द्वारा भी, अदरवाइज इस कंट्री को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये ग्रीस का ही पार्ट है, बट अभी यहाँ पे इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि नया दर्जा है वो दे दिया गया है, तो उसको लेके आर्टिकल है। तो आपको पता है कि यूरोप का है हमारे लिए कुछ काम का बेसिक नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना कि लोकेशन कहाँ पे है, लैंड लॉक कंट्री है, ये थोड़ा हमारे लिए बेसिक एक दो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलते हैं हमारी आगे डिस्कशन की तरफ। ये यहाँ पे आपको पता है सैटरडे है तो ग्राउंड जीरो होता है, तो ग्राउंड जीरो में एक्चुअली वन बेल्ट वन रोड के बारे में डिस्कस किया गया है, तो वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी गई है तो कुछ हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें। चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। आज हम एक एक्स्ट्रा एडिटोरियल है वो डिस्कस करेंगे क्योंकि आज के कुछ एडिटोरियल में इतना दम नहीं है, तो चलिए देखते। सबसे पहले हम देखते हैं मास जो कम्युनिकल वायलेंस होते हैं, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होती हैं, तमिलनाडु का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया। सबसे पहले हम एग्जांपल लेके स्टडी करते हैं आज इसको, ताकि हमें इशू और क्लियर है वो समझ में आ जाएगा। देखो सीन ऐसे हुआ था कि तमिलनाडु में कुछ वुमेन थी, वो मंदिर के बाहर क्या करती, प्रसाद वगैरह कुछ वितरित कर रही थी बच्चों को। अब इस दौरान कुछ लोगों को ऐसे लगा या उन्होंने मेरे अफवाह फैला दी कि एक्चुअली बच्चों का किडनेप करना चाह रही है, तो क्या हुआ वहाँ पे मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ गई। मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भीड़ एक से इकट्ठा हो गई और उन्हें मारने पीटने लगी और उनमें काफ़ी महिलाओं की जानें वो चली गई। ये सारा सीनरियो वहाँ पे हुआ। तो अब राइटर यहाँ पे ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जो मास कम्युनिकेशन जो वायलेंस होता है ना, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए सही नहीं है और इससे कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी वो डिवाइड होती है। और इसमें काफ़ी सारा डाटा भी दिया गया है, इसमें देखो एक डाटा दिया गया रिसेंटली कि जो काउ विजिलेंट्स होते हैं, विजिलेंट का मतलब होता है देखो जो निगरानी रखने वाला, और विजिलेंट का मतलब भी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ही निगरानी रखता हूँ, मतलब सारे दिन एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सीबीआई की तरह काम कर रहे हो, उसको यहाँ पे इस वर्ड से बोला जाता है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब राइटर बता रहे हैं कि देखो जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं है ना, ये हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही हैं, और मॉब लिंचिंग हमारे देश में बढ़ती है तो उसका ऐसा नहीं कोई फायदा और हो, उसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। और कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग होती है उसके पीछे किसी न किसी कम्युनिटी का हाथ होता है या कोई ना कोई पॉलिटिशियन के लिंक होते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन ही मेनली इन चीज़ों को अंजाम देते हैं ताकि उनको अपना वोट बैंक है वो साध सकें। फिर यहाँ पे बताया जाता है कि देखो इंडिया में आपको पता है मेनली दो कम्युनिटी की बात की जाती है, एक तो हिंदू और एक मुस्लिम, और मैक्सिमम जो लड़ाई है जो भी इश्यूज होते हैं वायलेंस वगैरह के वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में होती हैं। और ये एक सर्वे के अकॉर्डिंग रिपोर्ट आई है कि जब भी इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी है उसको 86% तक लॉस होता है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो ज़्यादा मारे जाते हैं। ये एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा है वो दिया गया है। तो राइटर का यह कहना है कि देखो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई, लोगों को तो इवन पता भी नहीं होता कि इशू क्या होता है, बट उसके बावजूद भी क्या अफवाहें फैला दी जाती हैं, रूमर्स फैला दिए जाते हैं और फलस्वरूप लड़ाई हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना कि फालतू में जो लोग अपनी जाने हैं वो खो देते हैं, कुछ लोगों को तो एक इशू का पता ही नहीं है, वो लोग उस इशू को रिलेटेड ही नहीं होते हैं बट फिर भी उनकी जाने चली जाती हैं। और मेनली देखो जो लोअर क्लास होती है ना, लोअर सोसाइटी, उसी को ज़्यादा लॉस होता है।
कभी भी ऐसा नहीं कोई पॉलिटिशियन मारा गया होगा, ऐसा कोई सीन नहीं होता है, क्योंकि पॉलिटिशियन वगैरह सिर्फ और सिर्फ अपनी यहाँ पे रोटियां सेक रहे होते हैं। इसके बाद में बात की जा रही है काऊ प्रोटेक्शन की, बात की जा रही है कि देखो काऊ के लिए वैसे तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट की बात नहीं, सॉरी काऊ प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारे ग्रुप हैं, वो बहुत सारे स्टेप उठाने की बातें तो कर रहे हैं, बट देखा जाए तो गाय हैं वो ऐसे ही शहरों में घूमती रहती हैं, वहाँ तो उनके लिए कोई स्टेप उठा नहीं रहा है, जबकि एक गाय को दूसरी जगह ले जाया जाता है, चाहे वो सही मायने में लेके जा रहा हो, ना स्लॉटर की बात नहीं की गई यहाँ पे, अगर गाय को सही मायने के लिए मतलब खेती वगैरह के लेके जा रहा है, तो भी उस कंडीशन में मोबलाइजिंग घटनाएं सामने आ जाती हैं। एग्जाम्पल दिया गया कि नॉर्थ इंडिया का ज़्यादा फोकस किया गया है, यूपी हुआ, झारखंड हुआ, हरियाणा हुआ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन वाले एरियो में अगर गाय की कहीं भी एक जगह दूसरी जगह ले जाना हो तो कहीं ना कहीं मोबलाइजिंग की घटनाएं डेफिनेटली सामने आती हैं। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि जो मास कम्युनिकल जो वायलेंस होता है ना, इससे सोसाइटी को तो नुकसान हो ही हो रहा है, इसके साथ क्या है पॉलिटिशियन को ज़्यादा फायदा होता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं अपने टारगेट को भी नहीं अचीव करते हैं और पॉलिटिशियन अपनी मनमर्जी यहाँ पे करते हुए नजर आते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई ऐसा होता क्यों है, मोबलाइजिंग की घटनाएं हैं जो मास कम्युनिकल वायलेंस होता है, ऐसी हिंसा भरी घटनाएं होती क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन यहाँ पे राइटर बता रहे हैं, एक तो सबसे अहम बात यह कि लोकल जो अथॉरिटी होती है ना वो कहीं ना कहीं लापरवाही करती रहती है, मतलब लोकल अथॉरिटी है वो सेंसिटिव नहीं होती है, अपने काम के प्रति न्यूट्रल होती है कि चलिए यार ठीक है चलने जो हो रहा है ठीक है कुछ ना, अच्छा अच्छा वो एमपी का लड़का ही होगा कोई बात नहीं चलने, तो इस तरीके के काम होते रहते हैं। इसके बाद में क्या होता है प्री प्लान्ड होते हैं सारे काम पॉलिटी, जैसे जब भी इलेक्शन वगैरह आ रहे होते हैं या फिर कोई भी दो पार्टीज होती है मेनली उनके बीच में लग रहा है कोई भी इशू हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या है वो तीसरी साइड ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके घटनाएं को अंजाम देते हैं ताकि उनकी बात है वो दब जाए, तो इसलिए से प्री प्लान्ड के बेसिस पर इनको अंजाम हो दिया जाता है। इसके बाद में ये एक नुकसान ये बताया गया कि जो लोअर क्लास है हमारी सोसाइटी की उसको ज़्यादा नुकसान होता है, जबकि लोअर क्लास होती है उसको तो पता ही भी नहीं होता कि इशू है क्या, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद में बात आ रही है वोट बैंक की, ये FI रूमर्स वगैरह फैलाई जाती हैं पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए और वोट बैंक को सीधा है वो किया जाता है, तो इसकी वजह से जो मास कम्युनिकल वायलेंस है लगातार बढ़ते जाते हैं, और जब भी मेनली इलेक्शन आते हैं उस टाइम पे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ केस होता रहता है। कई बार तो ऐसे देखो ऐसा नहीं होता कि सभी केसेज ही गलत होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे, बट जो राइटर के द्वारा बताया गया वो ये बताया गया है कि मैक्सिमम केसेज क्या होते हैं फेक ही होते हैं, और उस कंडीशन में एक्चुअली हत्याएं वो कर दी जाती हैं। अब आप एक बात बताइए, गाय को आप प्रोटेक्शन दे रहे हो कोई बात नहीं, बट आप गाय को प्रोटेक्शन देने के चक्कर में आप किसी दूसरे इंसान की जान ले रहे हो तो वो सही थोड़ी है, आप एक साइड तो एक जानवर की जान बचा रहे हो दूसरी साइड एक इंसान को मारे हो तो वो सही थोड़ी हुआ, एटलीस्ट दोनों को बचाया जाए ना, या तो जहाँ गलती है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कोई सोल्यूशन होता है कि यार एक इंसान ने गलती की तो उसको भी मार डालो, मारना कोई सोल्यूशन थोड़ी होता है। तो वो बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि इस दिशा में हमें कुछ कदम उठाने चाहिए, अदरवाइज पॉलिटिशियन इस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट है वो उठाते हैं, तो इस तरीके के एग्जाम्पल दिया गया था तमिलनाडु का जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, बाकी और भी एग्जाम्पल ज़्यादा बट एग्जाम्पल याद नहीं रहेंगे तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको थोड़े स्टडी के फॉर्म में बता दिया है। चलते हैं हम आगे अगले आर्टिकल की तरफ, अगला आर्टिकल है वो इकोनॉमिक सर्वे और जो अरविंद सुब्रमण्यम जी हैं जिनके साइन के बाद इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट होता है उनकी बातें यहाँ पे की गई हैं। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो पूरे जो लास्ट ईयर आप वो देखा जाए तो उन्होंने काफी अच्छा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वो निभाया था, जब उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे बजट पेश इको सॉरी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया उस दौरान उन्होंने काफी सारी चीजें वो चेंज की हैं जो कि पहले ट्रेड की अकॉर्डिंग चली आ रही थी। अब सबसे अहम बात तो ये है कि इकोनॉमिक सर्वे है इसके अंदर उन्होंने क्या क्या चेंज किए, क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए थे, ये दो चार अगर फीचर्स हम लिख देंगे तो हमारा थोड़ा एग्जाम में कहीं ना कहीं में थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। देखो एक तो बात ये है कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, इकोनॉमिक्स जैसे ये मान लो कि अभी 2018 चल रहा है 2018 साल, तो 2018-19 का जब बजट पेश होता है ना उससे पहले क्या होता है आपको पता है, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे बजट पेश हो रहा है तो उस टाइम क्या होगा इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे में आपको ये ध्यान रखना है कि पिछले साल का डाटा होता है, जैसे कि 2018-19 का बजट पेश किया गया ना तो इकोनॉमिक सर्वे होगा 2017-18 साल का, इसमें क्या होगा इकोनॉमी सर्वे, नाम समझो इकोनॉमी का सर्वे करना है तो ऑब्वियसली भाई फ्यूचर का तो सर्वे कैसे कर सकते हैं, लास्ट ईयर जो हुआ उसी का तो सर्वे होगा ना, तो इसमें लास्ट ईयर का पूरा सर्वे होता है कि पिछले एक साल में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए कैसे कैसे हुआ है। बजट में अगले साल की बातें बताई जाती हैं कि भाई इस साल गवर्नमेंट ये करेगी, इस साल यहाँ पैसा खर्च करने वाले, इस बार गवर्नमेंट के ये प्लान है, बट गवर्नमेंट ने पिछले साल क्या क्या किया है वो पता चलता है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, तो इकोनॉमिक सर्वे को उन्होंने काफी अट्रैक्टिव बना दिया था और काफी सारी चीजें उसमें ऐड हो की गई थी। इसके बाद में यहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर उनके द्वारा बताए जा रहे हैं, देखो एक तो उन्होंने इस यूनिवर्सल इनकम का कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे अरविंद सुब्रमण्यम जी के द्वारा, ताकि भाई यूनिवर्सल इनकम का मतलब ये था कि कोई भी इंसान चाहे जॉब कर रहा हो नहीं कर रहा हो एटलीस्ट उसको कुछ मंथली कुछ ना कुछ तो पैसा उसको मिलना चाहिए ताकि वो अपनी आजीविका चला सके, ऐसा थोड़ी कि वो इंसान जॉब वॉब नहीं लगाओ या कोई भी काम नहीं करो तो उसको कुछ भी नहीं मिले,
उसको अपनी आजीविका चलाने के लिए मिनिमम कुछ तो पैसा मिलना चाहिए ना, पॉकेट मनी के तौर पे कुछ ना कुछ तो होने चाहिए। इसके बाद में काफी अहम रोल जो वुमेन एम्पावरमेंट में आप यूज कर सकते हो कि जो बजट है उसका मेन पेज उन्होंने यहाँ पे पिंक कलर का कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में आपको पता है कि वुमेन के अगेंस्ट काफी क्राइम होते रह रहे हैं और लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं, रेप जैसी घटनाएं मतलब कम ना होने की वजह बढ़ती ज्यादा जा रही है। इसलिए उन्होंने थोड़े मतलब एक तरीके से वुमेन को एम्पावर करने के लिए पिंक कलर का जो बजट है वो पेश किया था। तो ये इनकी दिशा का उनका एक अच्छा कदम था। इसके बाद में बात आते हैं जेंडर बजट की। जेंडर बजट में भी इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए और महिलाओं के लिए बजट है उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था। मतलब गवर्नमेंट की जो स्कीम वगैरह थी वो एक्चुअली जेंडर की तरफ ज़्यादा मतलब फीमेल के लिए ज़्यादा स्कीम लेके आई गई थी ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा कदम है, ज़्यादा स्टेप है वो दिए जा सके। इसके बाद में बात आती है ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम थी वो भी उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब की और उसके सॉल्यूशंस के लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन बताए। इवन जो बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है जो कि पारा हमने डिस्कस भी किया था एक दिन, वो भी इन्हीं का कॉन्सेप्ट था। इकोनॉमिक सर्विस अरुण सुब्रमण्यम जी हैं वही लेके आए थे कि जो कि लास्ट ईयर के बजट में पेश किया गया था 2017-18 में कि भाई एक बैड बैंक बनाया जाए जो कि एनपीए जैसे इश्यू से निपट ले। उसके लिए जो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट था वो भी इन्हीं के द्वारा था। तो राइटर इनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट वगैरह बता रहे हैं तो वो हमने यहाँ पे देख लिए। बाकी कुछ पॉलिटिकल पॉइंट है वो हमारे लिए यहाँ पे कुछ काम के नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है तमिलनाडु के द्वारा, तमिलनाडु का जो भी रिसेंटली इश्यू है मीडिया का उसका कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी वहाँ की मीडिया उस पर लिमिट लगा दी है। क्या जो वहाँ का आईपीसी की धारा होती है इंडियन पेनल कोड की 153A, उसके तहत उन्होंने क्या कर दिया है कि मीडिया वो दो ग्रुपों के बीच में लड़ाई बढ़ाने का काम करेगी तो उसको वहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसको लिमिट है वो लगा दी गई, उसको बैन वगैरह कर दिया गया है। देखो यहाँ पे मेन जो इशू क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि मीडिया क्या होती है, डेमोक्रेसी का चौथा पिलर के रूप में काउंट है वो की जाती है। अगर मीडिया सच्चाई सामने लेके नहीं आएगी तो कौन लेके आएगा फिर, ये बताइए। पॉलिटिशियन तो अपनी मनमर्जी वैसे ही करते रहेंगे और अगर मीडिया सच लेके आ रही है तो उस लड़ाई हो रही है तो उसमें मीडिया की क्या गलती है? वो अलग बात है कि मीडिया भी आजकल अपना काम ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बट लिमिट लगाने से सोल्यूशन थोड़ी होगा। आप मीडिया पे लिमिट लगा दोगे फिर बोलोगे आप ये काम नहीं कर सकते तो उससे सोल्यूशन थोड़ी होने वाला है। जहाँ मीडिया गलती करिए वहाँ उसको आप आइडेंटिफाई करिए, उसको सोल्यूशन कीजिए ना, उसके अकॉर्डिंग आप रूल रेगुलेशन बनाइए। ये रेगुलेशन या ये सोल्यूशन थोड़ी होता है कि मीडिया को आप काम करने मत दो, तो इससे सोल्यूशन की बजाय समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो राइटर के द्वारा ये कहना है कि देखो मीडिया के ऊपर लिमिट लगाना कोई सोल्यूशन नहीं है, दो ग्रुपों के बीच में अगर लड़ाई बढ़े तो उसके रीजन आइडेंटिफाई किए जाएं। कई बार कुछ पॉलिटिशियन भी इस चीज़ का फायदा उठाते हैं और मीडिया को अपना काम करने दिया जाए। और फिर यहाँ पे बात आती है फंडामेंटल राइट की, आर्टिकल 19(1)(a) की बात की जा रही है, राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम, कि किसी भी इंसान को बोलने और लिखने का सारे स्पीच एक्सप्रेशन का सब कुछ अधिकार है तो वो उसकी मर्जी होती है। तो मीडिया इसको कहीं ना जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं लिमिट लगा रही है जो कि सही नहीं है। तो ये द्वारा इस आर्टिकल में कुछ ये एक दो पॉइंट थे, बाकी वहाँ की पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में डिस्कस है वो किया गया। अब आगे आज हम एक एक्स्ट्रा आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक्चुअली इंडिया और चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आए हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये मेनली IMF का आर्टिकल है जो कि एक थिंक टैंक है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो इसमें थोड़ा ये बताया गया है इंडिया और चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर किया गया है कि भाई इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज बहुत पीछे है, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे है। जबकि देखा जाए तो दोनों ही कंट्रीज ऑलमोस्ट साथ आजाद हुई थी, इवन चाइना की हालत इंडिया से ज़्यादा खस्ता हाल थी उस टाइम पे, बट फिर भी आज चाइना इंडिया से बहुत बहुत आगे निकल चुका है। आप भी देखो इस चीज़ को मानो या नहीं मानो बट रियल में चाइना बहुत आगे निकल चुका है, ये आर्टिकल के अकॉर्डिंग फैक्ट आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखो थोड़ा बताया गया है कि देखो दोनों कंट्रीज लगभग एक साथ आज़ाद हुई, स्टार्टिंग में सेम से हालात आप मान के चल लो, बट आज देखा जाए तो वर्ल्ड के जो टॉप 10 बिजेस्ट पोर्ट है ना, मतलब सबसे वेस्ट जो पोर्ट हैं उनमें 6 पोर्ट चाइना के आते हैं जबकि इंडिया का उनमें एक भी नहीं आता है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया कितना पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में। इसके बाद में बात की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर आप देखोगे तो उसमें भी इंडिया बहुत पीछे है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इंडियन गवर्नमेंट इतना स्टेप नहीं उठा पा रही है जितना चाइना उठा पा रही है। आप ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई न्यूज़ देखते रहते हो कि चाइना ने ये सबसे बड़ा ब्रिज बनाया है, चाइना ने इतना लंबा ब्रिज बनाया, ये बनाया वो बनाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ता जा रहा है जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इसके बाद में बात आती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि चाइना के लिए एक तरह बोल सकते हो रामबाण का उसने काम किया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मॉडल है वो काफ़ी हद तक चाइना में सफल था और इंडिया ने इसीलिए उसको अडॉप्ट किया, बट इंडिया में ये सफल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इंडिया ने इसको प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट हो नहीं किया। और सबसे सफल एग्जांपल इसका चाइना ही है कि चाइना में संघाई में बहुत सी जो सिटीज़ हैं वहाँ की वहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया गया तो काफ़ी उनको बेनिफिट है वो मिला था। अब बात ये आती है कि भाई ऐसा हुआ क्यों, वही मतलब ऐसा है क्यों, ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर और चाइना हमसे बहुत आगे है? तो उसको यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। एक सेकेंड, जो जो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनको एक बार आप देख लेना। सबसे पहले बात ये आती है कि देखो चाइना में एक तो है सिंगल पार्टी का रूल, तो मतलब वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है,
सीधी सी बात, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे एक जो पार्टी है वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करता। आपको पता है इंडिया में तो कई पार्टियां होती है, तो वहां पे आपस में लड़ती रहती है, कहती है कि नहीं नहीं भाई इस बार मोदी जी ने ये कह दिया, इस बार केजरीवाल ने ये कह दिया, इस बार राहुल गांधी ने ये कह दिया, यहाँ पे तो ये सीन चलता रहा होता है। जबकि वहां पे ऐसा सीन नहीं है, वहां पे सिंगल पार्टी होती है और उसमें भी केवल गिने चुने लोग होते हैं, वही मेन चार दो तीन जो एक्चुअली वहां पे सारा काम है वो करते हैं। तो ये बात यहाँ पे की गई है कि सिंगल पार्टी यूनिफॉर्मिटी है, तो इसलिए वहां पे जो भी डिसाइड होगा कि हाँ भाई हमें ये काम करना है, ब्रिज बनाना है, तो वो बन के रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि इंडिया का सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि आप ये मान लो कि इंडिया में ये मान लो कि कोई हाईवे बनाना है, तो आपको पता है कि हाईवे बनाने के लिए लैंड चाहिए, जमीन चाहिए। अब जमीन है वो आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्वायर करती है मेनली। अब स्टेट गवर्नमेंट जमीन कब एक्वायर करे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोजिशन की पार्टी स्टेट में है, जैसे कि ये मान लो कि अभी कोई ऐसा स्टेट ले लो, ये मान लो अभी कर्नाटक का एग्जाम्पल ले लो कि कर्नाटक में कोई नेशनल हाईवे कोई भी ऐसे रोड वगैरह कुछ काम करना है, जमीन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट तो एक्वायर करेगी ना, और वहाँ पे है कांग्रेस, तो वो ऑब्वियसली अपनी मनमर्जी अमल नहीं करेगी या डिले लगाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं काम तो डिले हो गया ना, या डिजाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगी। तो वो बात यहाँ पे की जा रही कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इंडिया का जो गवर्नेंस का, तो वो भी कहीं ना कहीं चीज़ में रोड है वो अटकाते हैं। इसके बाद में बात की जाती है कि जो चाइना की इकोनॉमिक रिफॉर्म है ना वो काफ़ी लिबरल फॉर्म में आए हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो काफ़ी लेट आए थे। इंडिया में आपको पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आए थे, ग्लोबलाइजेशन कब हुआ था, 1991-92 के टाइम पे इंडिया में रिफॉर्म है वो आए थे, जबकि चाइना में बहुत जल्दी आ गए थे 1970 के टाइम पे। इसलिए चाइना ने यहाँ पे बाजी है वो मार ली। अब ऑब्वियसली वहाँ पे इकोनॉमी रिफॉर्म आ गए तो वो लोग जल्दी काम करने लगे, उनकी इकोनॉमी ज़्यादा ओपन होगी और इंडिया इस मामले में पीछे रह गया। अब इसके बाद में बात की जाती है कि एक जातियों वगैरह की बात की जाती है कि वो कास्ट वाला सीन दिया जाता है या एथनिक ग्रुप की बात यहाँ पे की जाती है। राइटर ये कह रहे हैं कि दोनों ही कंट्री है ना, इन दोनों में एथनिक ग्रुप ऐसा नहीं कि एक ही ग्रुप है, काफ़ी सारे ग्रुप रहते हैं। वहाँ पे भी बौद्ध धर्म है, इंडिया में भी बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, वहाँ पे भी हिंदू है, मतलब ऐसा सीन नहीं है कि वहाँ पे भी नहीं है। लो कम्युनिटी वहाँ पे भी है काफ़ी कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे भी है, बट रीजन क्या है, यहाँ पे हमको फंडामेंटल राइट ज़्यादा दिए गए हैं, तो हम क्या है अपनी स्टेट अगर कुछ भी कहता है तो हम वहाँ तुरंत फंडामेंटल राइट के लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं। जबकि वहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, वहाँ पे राइट है जो लोगों के लिए वो लिमिटेड है, प्रदर्शन वगैरह वो कुछ लिमिटेड मात्रा में कर सकते हैं, धरना वगैरह नहीं दे सकते डेली की हाँ भाई ठीक है धरने पर बैठ जाओ, वैसा सीन वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए लोगों के पास बहुत लिमिटेड राइट ही वहाँ पर होते हैं। इसके बाद में बात की जा रही है कि रूरल एरिया पे इंडिया ने रूरल एरिया पे फोकस बहुत डिले किया है और आज भी ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा है। आप देखोगे तो आज भी ग्रामीण एरिया में पानी की फैसिलिटी का एग्जांपल ले लो, या फिर इसके साथ आप देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर तो और भी पीछे रह गया है। जब पीने का पानी नहीं है तो बैंकिंग सेक्टर वहाँ पर कैसे रह जाएंगे। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है कि चाइना ने रूरल एरिया पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, एग्रीकल्चर पर उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप उठाए, जबकि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कोई इस मामले में अच्छे स्टेप अभी तक उठाए नहीं है जितने उठाने चाहिए थे इंडिया को। मतलब जितनी इंडिया की नीड है ना उसके अकॉर्डिंग इंडिया अभी काम नहीं कर रहा है। देखा जाए तो एमएसएमई की बात की जा रही है कि एमएसएमई सेक्टर जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है, बट फिर भी इंडिया उस पर इतना फोकस नहीं कर पाया और इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। चाइना जो एक्सपोर्ट करता है ना मैक्सिमम वो इसी से करता है, एमएसएमई से। चाइना का एक्सपोर्ट इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे एमएसएमई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और वो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करते हैं। इसके बाद में बात आती है सिविल सोसाइटी और एनजीओ वगैरह की। देखो इंडिया में क्या है कि सिविल सोसाइटी एनजीओ वगैरह ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कहीं भी कोई भी काम वगैरह करना हो तो एनवायरनमेंट के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो रिसेंटली तमिलनाडु के जो बोधी हिल में न्यूटन ऑब्जर्वेटरी बनानी थी, तो कुछ उसके लिए तुरंत एनजीओ या जो सिविल सोसाइटी है वो तुरंत पहुंच गई कि ना भाई ना नहीं बनेगा, काफ़ी नुकसान होगा एनवायरनमेंट को, ये है वो है। चाइना में ऐसा सीन नहीं होता है, चाइना में गवर्नमेंट ने कह दिया कि हाँ यहाँ पे ब्रिज बनेगा या यहाँ पे ये चीज़ बननी है तो वो बन के रहती है, बस उसके बाद सिविल सोसाइटी को तुरंत दबा दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे तिब्बत के अंदर काफ़ी कई बार एक तरीके से जब भी मतलब प्रोटेक्शन वगैरह की कुछ बात होती है तो उस कंडीशन में तुरंत चाइना उसको सप्रेस कर देता है, तो वो बात यहाँ पे बताई गई है, तो इसलिए तुरंत वो लोग प्रोजेक्ट वगैरह को इंप्लीमेंट कर देते हैं, डिले नहीं होता। इसके बाद में बात आती है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पे, कि चाइना ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस किया और उन्होंने इस पर बहुत अच्छे कदम भी उठाए थे। बाकी इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने काम तो किया है बट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पे इतना फोकस नहीं किया है। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंडिया में जब भी कोई इलेक्शन पार्टी जीत कोई भी पार्टी इलेक्शन जीतती है तो क्या मुद्दे बनाती है, हम किसानों का लोन माफ़ कर देंगे, हम अगले साल है लोगों इतने लोगों को रोजगार देंगे, हम ये करेंगे। वहाँ पे सीन ये नहीं है, वहाँ पे जो लड़ाई होती है मेन मुद्दे की जो पार्टी के बीच में, अगर कोई भी मतलब दोनों
मेनली तो एक ही पार्टी है खैर वहां पे, बट अगर उसके बीच में कोई इश्यू होता है तो उसमें भी क्या है जो मुद्दा होता है ना मैन उनका, वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का, कि भाई पिछले साल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो 9% थी और अगर अगली बार हमारी सरकार आती है तो हम इसको 12% कर देंगे, वहां पे इस तरह के मुद्दे होते हैं। जबकि इंडिया में अलग तरह का सिस्टम होता है, इंडिया में वोट बैंक वाला सीन चलता है, वहां पे वोट बैंक को काउंट नहीं किया जाता, वहां पे फोकस किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पे फोकस किया जाता है कि हाँ भाई हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इतना आगे लेके जाएंगे ये करेंगे, इसीलिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे ज्यादा फोकस किया जाता है ना कि बाकी चीजों पे। जबकि इंडिया में क्या है वोट बैंक की लेजिटिमेसी होती है, मतलब इंडिया में वोट को ज्यादा तवज्जो दी जाती है कि हाँ भाई ठीक है ये वोट बैंक बनाने ये करने है वो करने है, वहां पे सीन क्लियर होता है कि भैया अगर हम सत्ता में तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट यहाँ पे लेके आएंगे, हम ऐसे ऐसे ये काम करेंगे, तो इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट वगैरह काफ़ी सारे ब्रिजेज वगैरह बनाती रहती है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट करती रहती है लगातार। इवन देखा जाए तो जो 2000 के टाइम पे जब आप बोल सकते हो कि एक तरीके से पूरी इकोनॉमी मंद हो गई थी पूरे विश्व की, एक तरीके से मंदी का टाइम था, उस टाइम पे भी चाइना की इकोनॉमी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही थी, मतलब उस टाइम पे भी चाइना की इकोनॉमी है वो 9 से 10% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही थी। तो आप देख सकते हो कि चाइना लगातार किस ग्रोथ से वहाँ पे बढ़ा था, मतलब चाइना ने लगातार अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे स्टेप उठाए थे। अब बात करते हैं इसे नेगेटिव इम्पैक्ट की, इससे नुकसान क्या क्या हुआ है। देखो नुकसान की बात तो एक तो ऐसी है कि चाइना में ह्यूमन राइट का वॉयलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जब भी कोई ब्रिज वगैरह बनाना है या फिर कोई डैम वगैरह बनाना है तो ऑब्वियसली लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है, उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता है। इसके साथ ही वहाँ पे फंडामेंटल राइट का काफ़ी लिमिटेड है, सिविल सोसाइटी है वो काफ़ी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो अपनी मनमर्जी करती रहती है। आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ऑटोक्रेसी वाला एग्जाम्पल वहाँ पे ले सकते हो कुछ हद तक, कि वहाँ पे ऑटोक्रेसी है, जबकि इंडिया में ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ यूनिफॉर्म वे में होती है और यहाँ पे जनता की राय है उसके अकॉर्डिंग काम होता है, जबकि वहाँ पे पार्टी डिसाइड करती है कि हाँ ये काम करना है तो वो काम होके रहेगा। तो ये था कुछ बेसिक इस आर्टिकल के जो पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।